पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। कोरोना तेजी से फैल रहा है, सरकार की मंशा भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की है, लेकिन केवल सरकारी सिस्टम इसके लिए काफी नहीं है। मजबूरी में प्राइवेट लैब को भी इसके लिए अधिकृत किया गया है, लेकिन इसकी फीस क्या हो, यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मुद्दा भी ऐसा कि प्राइवेट लैब ने इतनी धनराशि में जांच करने से इनकार कर दिया है। आज मुद्दा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। कोरोना संक्रमण की जांच प्रदेश सरकार द्वारा सस्ता कराना निजी क्षेत्र की प्रयोगशाला संचालकों को रास नहीं आया है। शासन ने एकल चरण जांच के लिए अधिकतम 2,500 रुपए तय किए हैं, जिसे संचालकों ने यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया है कि इतनी कम धनराशि में उनके लिए कोरोना जांच करना संभव नहीं है। इसकी घोषणा के साथ ही सभी प्राइवेट लैब ने आज से कोरोना सैंपल लेने बंद कर दिए हैं। उधर मेरठ CMO डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि इस बारे में शासन को अवगत कराया जा रहा है, यदि प्राइवेट लैब जांच नहीं करेंगे तो वह सरकारी से इसकी जांच कराएंगे। दरअसल बीते दिवस अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र की प्रयोगशाला द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की एकल चरण यानी सिंगल स्टेप जांच के लिए अधिकतम धनराशि 2,500 रुपये निर्धारित की जा रही है। निजी प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता ऑडिट के लिए मांगे जाने पर नमूनों को चिकित्सा महाविद्यालय की रेफरल प्रयोगशाला हेतु उपलब्ध कराना होगा। परीक्षण के पश्चात ICMR के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा संबंधित जिले के CMO व स्टेट सर्विलांस अधिकारी को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करानी होगी। निजी प्रयोगशाला द्वारा 2,500 रुपये से अधिक धनराशि लिया जाना व अन्य उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन न करने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। शासन द्वारा जो नई व्यवस्था की गई है, इसके तहत सरकारी व निजी चिकित्सालयों द्वारा जो नमूने निजी लैब को भेजे जाएंगे उनसे 2,000 रुपये लिए जाएंगे, जबकि डायरेक्ट होने की स्थिति में यह धनराशि 2,500 रुपये मान्य होगी। बता दें कि इन दिनों UP में पैथकाइंड, डॉक्टर लाल, मॉडर्न व SRL पैथ लैब ही कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अधिकृत की गई थी। पिछले दिनों पैथकाइंड की कई जिलों में कोरोना जांच संदिग्ध व दोषपूर्ण पाई गई, जिस पर पैथकाइंड को बाहर कर दिया गया। वर्तमान में प्राइवेट स्तर पर डॉक्टर लाल, मॉडर्न व SR लैब ही कोरोना संक्रमितों की जांच कर रही हैं। बीते दिवस शासन का आदेश आने के बाद इन तीनों ही लैब ने आज सैंपल कलेक्ट करना बंद कर दिया है। फर्स्ट बाइट ने आज सभी लैब पर बात की तो बताया गया कि जो धनराशि शासन ने जांच के लिए निर्धारित की है उसमें उनके लिए जांच करना संभव नहीं है। बता दें कि वर्तमान में यह धनराशि 4,500 रुपये है, जबकि मॉडर्न इसी जांच के लिए 3,800 रुपये ले रहा है। प्राइवेट लैब द्वारा जांच करने से इनकार किए जाने के बाद एक नए तरीके का संकट पैदा होने जा रहा है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।